दोस्तों जब भी गणेश चतुर्थी आती है तब हमें गणेश जी की काफी खूबसूरत और बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने मिलती है, जिन्हें देखकर यही सबसे पहले सवाल आता है कि इन मूर्तियों को आखिर कैसे बनाया जाता होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां कारखाने में या फिर लोगों के द्वारा किस तरह बनाई जाती है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और ऐसा वीडियो शायद ही आपने कभी देखा होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आखिर में हम आपको लालबाग के राजा की मूर्ति कैसे बनाई जाती है ये भी दिखाने वाले है। अभी जो प्रोसेस हम देखने वाले हैं उस प्रोसेस में गणेश जी की मूर्ति को किसी नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि मोल्ड की मदद से बनाया जाएगा, जिसके चलते यहाँ दो वर्कर्स मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाले मोल्ड को स्क्रू से जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि अगली प्रोसेस कंप्लीट की जा सके। ये होने के बाद दूसरा वर्कर मोल्ड को एयर प्रेशर मशीन की मदद से साफ करता है, जिसके बाद इस रबर की शीट को मोल्ड पर सही से चिपकाया जाता है ताकि जब मूर्ति बनकर तैयार हो तब उस पर अच्छी खासी डिटेलिंग आ सके और गणेश जी का टेक्सचर उभर कर दिखे। रबर को मोल्ड में सही से चिपकाने के बाद कारखाने के दूसरी ओर नारियल का भूसा या फिर कहो छिलकों को पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिक्स करते हैं, जिसके बाद इस मिक्सचर को मोल्ड के अंदर लगाया जाता है ताकि मूर्ति मजबूत बने। जब मूर्ति के अंदर पीओपी पूरी तरह से लगाया जाता है तब उसकी पिछली ओर प्लाई को लगाते हैं और उस पर भी नारियल का भूसा पीओपी में मिक्स करके चिपकाया जाता है। इस काम को करने के लिए इन वर्कर्स को कई घंटे लगते हैं, जिसके बाद अब मूर्ति को सूखने के लिए रखते हैं। कुछ घंटों बाद जब पीओपी पूरी तरह से सूख जाता है तब मूर्ति को क्रेन की मदद से खड़ा करते हैं ताकि मोल्ड को मूर्ति से अलग किया जा सके। यह करने के लिए वर्कर्स मोल्ड के नट बोल्ट को निकालने का काम कर रहे है और जब ये काम पूरा हुआ तब मूर्ति को काफी बढ़िया शेप आ चुका है। यह होने के बाद शुरुआत में जो रबर की शीट मूर्ति पर चिपकाई गई थी उसे भी निकाल दिया जाता है और फाइनल रिजल्ट अभी आपके सामने है। हालांकि इस मूर्ति पर हाथ और सूंड बनाना अभी बाकी है, जिसे बाद में वर्कर्स द्वारा मैन्युअली बनाया जाता है और इस तरीके से हमारी गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है। गाइस गणेश जी की मोल्ड से बनाई हुई मूर्ति तो हमने देख ली, लेकिन अब हम आपको इको फ्रेंडली यानी कि क्ले से बनाई हुई मूर्ति दिखाने वाले है। तो चलिए देखते है क्ले की मदद से मूर्ति को कैसे बनाया जाता है। शुरुआत में ये वर्कर बाप्पा की मूर्ति का बेस तैयार कर रहा है और उसमें भी क्ले का इस्तेमाल ही किया जाता है। बेस तैयार होने के बाद धीरे धीरे मूर्ति को शेप दिया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है पैरों से, फिर बाद में बाप्पा के ऊपरी हिस्से को भी तैयार किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये काम करने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अकेला वर्कर ही पूरी मूर्ति को बनाने का काम करता है, जिसके चलते मूर्ति को टेक्सचर देने का काम भी हाथ से ही किया जाता है। यह होने के बाद मूर्ति के हाथ बनाए जाते हैं। और इसके लिए ये वर्कर हाथ मूर्ति को चिपकाकर उसे रस्सी से बांध देता है ताकि जब क्ले सूख जाए तो हाथ मजबूती से उसी जगह पर टिका रहे और चिपका रहे। इसी तरह सूंड को भी बनाया जाता है और उसे एक लकड़ी के सहारे सपोर्ट देते हैं। इसके बाद मूर्ति पर क्ले से बनाए गए आभूषण लगाते हैं, जिन्हें इस वर्कर ने खुद ही बनाया है। जैसा कि हमने बताया था मूर्ति को टेक्सचर किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथ से देते हैं, इसलिए यहाँ यह वर्कर बाप्पा के मुकुट पर डिजाइन कर रहा है। यह सब होने के बाद गणेश जी की मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिस पर सूखने के बाद कलरिंग की जाती है। जब भी गणेश चतुर्थी आती है तब कई लोग मुंबई में स्थित मशहूर लालबाग के राजा के दर्शन लेने के लिए जाते हैं। शायद आप में से भी कई लोग लालबाग जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लालबाग के राजा की जो मूर्ति है उसे कैसे बनाया जाता है? नहीं ना, तो चलिए जानते है। लालबाग के राजा की मूर्ति बनाने की तरकीब बाकियों से एकदम अलग है, क्योंकि इस मूर्ति को किसी कारखाने में नहीं बल्कि उसी मंदिर में बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले मूर्ति का दाया पैर बनाते है और उस पैर की पूजा करने के बाद ही पूरी मूर्ति बनाने का काम शुरू होता है, जिसके चलते कई वर्कर्स की मदद से मूर्ति बनाई जाती है। लालबाग के राजा की मूर्ति बनाने वाले कलाकार संतोष जी 2002 से हर साल मूर्ति बनाने का काम करते आ रहे हैं। बात करें आभूषण की तो इन्हें बनाने का काम संजय वेदक नाम के शख्स द्वारा किया जाता है, जिन्होंने 2006 में पहली बार लालबाग के राजा की आभूषण तैयार किए और उन्हीं में से लालबाग के राजा के सोने का पैर भी शामिल होता है। इन आभूषणों के वजन की बात की जाए तो इनका वजन 10 किलो के आसपास है, जिन्हें हर साल पॉलिश और रिपेयर करके
के लालबाग के राजा की मूर्ति को पहनाया जाता है। यही नहीं, इस मूर्ति की खास बात ये भी है कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हर रोज लालबाग के राजा की धोती बदली जाती है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और यार इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।